बनारस शब्द एक एहसास जगाता है, यहाँ घाट घाट दियों से जगमगाता है। वीरों की बस्ती जवानों का देश है, देव दर्शन और मोक्ष बनारस की ही देन है। देव भूमि है, गंगा का शीतल पानी भी है। सुनो धर्म के ठेकेदारों, काशी किसी धर्म का नहीं, काशी हर शख्स की पहचान है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास प्रोग्राम भव्य दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 नवंबर को दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दिन अयोध्या से लेकर काशी तक राजा राम के आगमन के लिए सजकर तैयार हुए और लोगों ने उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया। और अब 15 दिन बाद देव दिवाली काशी में मनाई जाएगी, लेकिन हम सभी के मन में कई सवाल रहते हैं कि देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, और इन सभी सवालों के जवाब हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में बताएंगे। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कार्तिक अमावस्या पर 12 नवंबर 2023 को दिवाली पर पर्व धूमधाम से मनाया गया। अब इसके 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाएगी। देव दीपावली पर्व को लेकर ऐसी मान्यता है कि दिवाली को सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता गण भी दीप जलाकर खुशी से मनाते हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली यानी देवताओं की दीपावली कहा जाता है। हर साल काशी में इसका भव्य आयोजन किया जाता है, ऐसा ही इस बार भी हुआ है। देव दिवाली के लिए पूरा बनारस सजकर तैयार है, लेकिन देव दिवाली क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, सबसे पहले किसने देव दिवाली मनाई, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हजारों दीपों की जगमगाहट के साथ काशी में देव दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों पर है। ये दिन इंसानों के साथ साथ देवताओं के लिए भी बेहद खास होता है। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना त्योहारों से भरा हुआ होता है। इस महीने दिवाली, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। बता दें कि दिवाली और इस दिन विधि विधान के साथ दीपदान की परंपरा है। कहते हैं कि देव दीपावली के दिन दीपदान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। वही देव दीपावली के दिन पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा के साथ साथ स्नान के बाद दीपदान करना महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति देव दीपावली के दिन पवित्र नदी में स्नान कर दीपदान करते हैं, उन्हें हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। देव दीपावली की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस धरती से लेकर स्वर्गलोक तक सभी को परेशान कर रखा था। उसके आतंक की वजह से मनुष्य और देवता सभी त्रस्त थे। उससे परेशान होकर एक बार सभी देवतागण भगवान शिव के पास उनकी सहायता मांगने के लिए पहुंचे और कहा कि वो त्रिपुरासुर का अंत कर उस समस्या का समाधान करे। इसके बाद भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के अंत के बाद उसके आतंक से मुक्ति मिलने पर सभी देवतागण बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वर्ग में दीप जलाए। खुशी मनाने के लिए सभी देवतागण भोलेनाथ की नगरी काशी में पधारे और काशी में दीप प्रज्वलित किए। तभी से 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। देव दीपावली 2023 तिथि। देव दीपावली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस साल 27 नवंबर 2023 को है। लेकिन देव दीपावली को लेकर धर्म शास्त्रों के विद्वानों ने रविवार 26 नवंबर 2023 को देव दीपावली मनाए जाने का फैसला किया है और ये फैसला आपसी विचार विमर्श के बाद लिया गया है। वही अगर बात करें देव दिवाली के दिन पूजा की,
तो देव दीपावली के दिन सुबह जल्दी उठकर नदी स्नान करें। यदि किसी कारण नदी स्नान संभव ना हो तो आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान गणेश, शिव जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, सुपारी, मौली, जनेव, दुर्वा, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें और फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। इस दिन सुबह के साथ ही प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। काशी में 11 लाख दियों के साथ मनाई जाएगी देव दिवाली। मीडिया रिपोर्ट की माने तो काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दीपों से गंगा घाट डमकेंगे। साथ ही प्रमुख चौराहों और पेड़ों को झालरों से भी सजाया जाएगा। वहीं गंगा किनारे के घाटों और गलियों को 20 सेक्टर में बांटकर सफाई का काम भी पूरा हो गया है। वहीं शाम 5:15 से दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए आश्रमों और समितियों की ओर से 3 घंटे के लिए स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। ये भव्य नजारा देखने के लिए लोग दूर दूर से हर साल आते हैं। हर साल लगभग 40,000 से 50,000 श्रद्धालु देव दिवाली मनाने आते हैं। वही इस साल भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। वैसे हर साल श्रद्धालु यहाँ पूरे साल घूमने आते हैं, लेकिन देव दिवाली ऐसा समय होता है जब लोग देश विदेश से देव नगरी या मोक्ष की नगरी यानी काशी पहुंचते हैं। ये पर्व देश की संस्कृति के साथ साथ लोगों की आस्था को दर्शाते हैं। भक्तों की मान्यता, धरती पर उतर आते हैं देवी देवता। काशी के अर्धचंद्राकार घाटों पर सजने वाले देव दीपावली की पहचान अब प्रदेश के मेले के रूप में होगी। प्रदेश सरकार ने देवताओं के उत्सव देव दीपावली को राजकीय मेला घोषित कर दिया है। कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। इसके साथ ही आयोजन की भव्यता भी बढ़ जाएगी। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर देव दीपावली का आयोजन 27 नवंबर को होगा। राजकीय मेले का दर्जा मिलने के बाद इस बार मेले की भव्यता भी देखने लायक होगी। प्रदेश सरकार की सहमति के बाद देव दीपावली के आयोजन को पंच दिवसीय स्वरूप दिया गया है। 23 से 27 नवंबर तक देव दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन और संस्कृति विभाग ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजघाट पर होने वाले आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद अब देव दीपावली के आयोजन पर होने वाला खर्च नगर विकास विभाग द्वारा उठाया जाएगा। इससे मेला स्थलों पर सड़क, बिजली, शौचालय व आश्रय स्थल जैसी सुविधाओं का विकास करना आसान होगा। देव दीपावली का उत्सव काशी में गंगा के तट से लेकर कुंड तक सजता है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्वेदी ने बताया कि देव दीपावली की परंपरा सबसे पहले पंच गंगा घाट पर 1915 में आरंभ हुई थी। परंपरा और संस्कृति में आधुनिकता के मेल से बनारस ने इस आयोजन को वैश्विक पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देव दीपावली की भव्यता के साक्षी बन चुके हैं। वही काशी की देव दीपावली भगवान शिव को समर्पित होती है। काशी के लखा मेले में शुमार देव दीपावली के उत्सव में काशी, काशी के घाट और काशी के लोगों की सहभागिता ने इसे महोत्सव में बदल दिया। दीपक और झालरों की रोशनी से रविदास घाट से लेकर आदि केशव घाट व वरुणा नदी के तट एवं घाटों पर स्थित देवालय, भवन, मठ, आश्रम जगमगा उठते हैं। कहा जाता है कि सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता स्वर्ग लोक से नीचे धरती पर उतर आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है।
माना जाता है कि भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का संहार करके देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। त्रिपुरासुर के अत्याचारों से मिली मुक्ति और भगवान शिव के इस कृत्य पर सभी देवता अपनी प्रसन्नता जाहिर करने के लिए भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचकर दीप प्रज्वलित करते हैं और खुशियां मनाते हैं। वही इस दिन दशाश्वमेध घाट पर शहीदों को नमन करने के साथ ही आकाश दीप का समापन होता है। गंगा सेवा निधि और गंगोत्री सेवा समिति की ओर से जवानों की स्मृति में सांस्कृतिक आयोजन के साथ ही देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। प्रशासन की रहेगी पैनी नजर, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। देव दीपावली के आयोजन को भव्य मनाने के लिए 100 से ज्यादा समितियां घाटों को दीपों से रोशन करेंगी। वहीं गंगा पार इलाकों को 20 सेक्टर में बांटकर दीपदान कराया जाएगा। देव दीपावली महोत्सव के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल को नोडल अधिकारी नामित किया है। ये निर्णय मंगलवार को मंडलायुक्त सभागार में गंगा महोत्सव और देव दीपावली के आयोजन की तैयारियों के लिए हुई बैठक में लिया गया। जिलाधिकारी के मुताबिक काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर लेजर शो के जरिए शिव स्तुति की जाएगी। पर्यटन विभाग को आतिशबाजी का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने घाट पर स्थित डोम राजा के आवास, नेपाली मंदिर, पंच गंगा घाट और अन्य कई चिन्हित स्थानों के संकरे मार्ग को एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए चौड़ा करने के निर्देश नगर निगम को दिए। गंगा महोत्सव के आयोजन 23 से 26 नवंबर तक राजघाट पर होंगे। इसमें प्रतिदिन आमंत्रित व स्थानीय कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। गंगा महोत्सव के अंतिम दिन यानी 27 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली मनाई जाएगी। घाटों पर सफाई व्यवस्था, चिकित्सा टीमों की तैनाती, अग्निमिशन की व्यवस्था, सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था विभागों ने तैयारी बताई। पर्यटन अधिकारी ने बताया कि इस बार लगभग 11 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। काशी नगरी है देवों की, काशी नगरी है मोक्ष की, काशी प्रेम की पहचान है, ये धर्मों से अनजान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनारस में हर पर्व हम सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि धर्म हमें प्यार बांटना सिखाता है और ये बनारस में हम साफ तौर पर देख सकते हैं। देव दिवाली हो या रोजाना की गंगा आरती, सभी घाट पर मिलकर हर पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। फिलहाल आज के खास प्रोग्राम भव्य दर्शन में बस इतना ही। मिलते हैं नए विचार के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें प्राइम।